मोहतरम नाजरीन, आज बच्चा के रोने का तावीज लेकर हम हाजिर है। बाज बच्चे सारी सारी रात रोते रहते हैं, जिससे माँ तो परेशान होती ही है, घर के जितने अफराद हैं, बाप दादा दादी फूफा फूफी जितने भी लोग हैं, सारे के सारे अफराद भी परेशान हो जाते हैं और सबकी नींद भी खराब हो जाती है, और बच्चे के रोने का कोई खास सबब भी समझ में नहीं आता कि बच्चा आखिर रो क्यों रहा है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे बच्चे के लिए ये दोनों तावीज लिखकर मोम जमा करने का मतलब यह है कि शहद की मक्खी से जो मोम निकलता है, उस मोम को गरम कर लें और किसी बर्तन में गरम करने के बाद कोई कपड़ा जिसमें तावीज लपेटना है, उस कपड़े को उस मोम में डाल दें। ठंडा होने के बाद वो मोम कपड़े में आ गया, अब वो कपड़ा हो गया, उस कपड़े को कहते हैं मोम जामा। उसी में तावीज को रखकर बेहतरीन से लपेट दें और बच्चे के गले में डाल दें। मोम जमा करने में हिकमत यह है कि मोम की वजह से उस तावीज में पानी नहीं जाएगा, अगर पानी चला गया तो कागज है बिखर जाएगा, लोग समझेंगे कि बच्चे के गले में तावीज है और तावीज वहां पानी से गल गया है। तो उस तावीज के बच्चे के गले में रहने की वजह से इंशाल्लाह बच्चा रातों दिन आराम से रहेगा, इंशाल्लाह नहीं रोएगा। तावीज ये है, मैं लिख के बता रहा हूं, आप देखिए और नकल करके बच्चे के गले में डालिए। ये दोनों तावीज है, मैंने खाना पहले से बना लिया है, आप खाना बना लें। उसके बाद ऊपर लिखें 786 इस तरह दाहिना तरफ से, उसके बाद मीम है ये तो मीम है ये तो मीम है ये तो मीम है ये तो। उसके बाद इसमें भी 786 लिख लें दाहिना तरफ से, उसके बाद इस तरह भरें, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये 16, दोनों तावीज मुकम्मल हो गए। दोनों को लपेटकर बच्चे के गले में डाल